नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायरमैन स्विच के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि फायरमैन स्विच का क्या काम होता है और कहां पे लगा होता है, तो आज हम बात करेंगे फायरमैन स्विच के बारे में। जहां पे जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे देखना, बिल्डिंग के बाहर में एक अलग से डब्बा टाइप लगा होगा जिसको फायरमैन स्विच बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये होता है फायरमैन स्विच। यहाँ पे लिखा भी है इन केस ऑफ फायर पुश द कवर एंड टर्न ऑफ द स्विच। तो ये सबका अलग अलग होता है। कहीं पे ग्लास को तोड़ने वाला होता है, इसको तोड़ा जाता है और उसके बाद ये वाला स्विच, इसको मूवमेंट किया जाता है। इसमें एरो भी दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है, क्या काम होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। और ये देखिए, एक ये होता है, इसे लिफ्ट को कमांड दी जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पार्किंग। इस पार्किंग का क्या मतलब होता है, ये देखिए ऑन और ऑफ भी लिखा हुआ है। तो आपने देखा फायरमैन स्विच कहाँ पे लगा होता है, ये हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे लगा होता है ताकि वहाँ से आदमी डायरेक्टली उतर के बाहर जा सके। तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। अब वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जब फायर होती है तो फायर के दौरान लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हिदायत दी जाती है कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें। और उस पोजीशन में अकेला फायरमैन या फायर डिपार्टमेंट ही उस लिफ्ट का यूज कर सकता है। ऊपर जो फायरमैन स्विच है उससे क्या होगा, जो लिफ्ट की सप्लाई बैकअप है वो अलग से दी जाती है लिफ्ट में। जहां पे दो लिफ्ट होती है वहीं पे फायरमैन स्विच होता है। अदरवाइज अगर एक लिफ्ट है तो फायरमैन स्विच नहीं लगाया जाता, दो पे लगाया जाता है। अब कहीं पे वो जो ग्लास होता है फायरमैन स्विच के लिए, वो कहीं पे हैमर से तोड़ने वाला होता है, तो कहीं पे स्लाइड करके उसको मूवमेंट करने वाला होता है। वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो लिफ्ट के डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस कंपनी की है, उसने किस तरह डिजाइन किया है। अब बात करते हैं कि फायरमैन जब उसको यूज करता है तो कैसे करता है। आपने देखा होगा इसके अंदर जो स्विच है उसको आप मूवमेंट कर दो, उससे बाहर की जो कमांड है जिससे हम पुश करके कमांड देते हैं, दरवाजा खुल जाता है, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर वो बंद होकर के ऊपर जाता है। तो क्या होगा, बाहर जिस भी फ्लोर पे बंदा खड़ा होगा, चाहे दो फ्लोर पे, चाहे पांच पे, चाहे दस पे, वो किसी भी फ्लोर पे नहीं खुलेगी। बाहर का जो कंट्रोलर है वो काम करना बंद कर देगा। अब वो बाहर काम करना बंद कर देगा तो उस पोजीशन में कोई भी उसके अंदर आएगा नहीं, और सारे के सारे दरवाजे उस पार्किंग स्विच से जो आपने नीचे देखा था उसको अगर आप ऑन कर देते हो तो बाहर से कोई भी दरवाजा खोल ही नहीं सकता, वो लॉक हो जाता है, जैसे हमने ताला लगा दिया। पार्किंग मतलब वो खड़ी रहेगी, बाहर से बंद रहेगी, सारे दरवाजे बंद रहेंगे। अब बंद रहेंगे तो फायरमैन स्विच इसलिए बोला जाता है कि उस दौरान खाली फायरमैन ही यूज करता है। अब फायरमैन कैसे यूज करेगा जब वो बाहर से काम ही नहीं कर रही, तो फायरमैन के पास एक चाबी रहती है। उस चाबी का प्रयोग करके मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। उस पोजीशन में ये वाले सारे कंट्रोलर काम करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बटन काम करेंगे, ये अंदर वाले हैं, बाहर वाले नहीं है। फायरमैन अंदर रहेगा, अंदर से कमांड देगा उसको जिस भी फ्लोर पे जाना है। आग के दौरान लिफ्ट के अंदर फायर होज, कोई भी कैजुअल्टी, कोई डैमेज हुआ है या कोई भी सामान का आना जाना ले जाना करना है, तो वो ग्राउंड फ्लोर से किसी भी फ्लोर पर जा सकता है फायरमैन। उसके पास एक स्पेशल चाबी रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ ये वाली, ये यहाँ पे चाबी डलती है। इसमें चाबी डाल के ऑन करने से क्या होगा, जो ये वाले बटन हैं सारे यही काम करेंगे, बाहर का कोई भी बटन काम नहीं करेगा। और उसके बाद फायरमैन इसको यहाँ से कमांड देगा, अंदर वाला ही केवल लिफ्ट को चला सकता, बाहर कोई भी बंदा किसी भी फ्लोर पे खड़ा है वो लिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकता, वो नहीं चला सकता। तो आपने देखा फायरमैन स्विच के बारे में, आपने बाहर से कैसे ऑपरेट करते हैं, अंदर से कैसे काम करता है। तो ये होता है फायरमैन स्विच का काम। इमरजेंसी के दौरान फायरमैन ही उसका प्रयोग कर सकता है, बाहर के जो
फ्लोर के ऊपर पैनल लगे होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अंदर जो फायरमैन अंदर गया है चाबी लगा करके ऑन करके, खाली वो फायरमैन ही उसका प्रयोग कर सकता है। चाहे फायरमैन को नीचे से कोई भी फायर का सामान ऊपर वाले किसी भी फ्लोर पर लेकर के जाना है तो वो जिसकी कमांड देगा अंदर से जो कमांड देगा वही वो फॉलो करेगी, बाहर से कोई भी कमांड उसको नहीं मिलती है। चाहे कोई भी कैजुअल्टी लेके जानी होती है, चाहे कोई भी बंदा रेस्क्यू करके लाना होता है बेहोश है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डैमेज है, चाहे कोई भी सामान का आवागमन करना, तो केवल फायरमैन ही उसका प्रयोग कर सकता है। यही फायरमैन स्विच का काम होता है, इसके अलावा फायरमैन स्विच का कोई काम नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है मेरे से, अगर छूट गई है, वैसे तो कोई छोड़ा नहीं है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और जितनी भी आपको वीडियो की ज़रूरत है आप मेरे चैनल पर जा करके वीडियो लिस्ट में आप अपनी पसंद की वीडियो ढूंढ सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, मैंने हर तरह की वीडियो डाली हुई है। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।